नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वर्कआउट बताऊंगा जो आप लोगों को खड़े रहकर करना है और साथ ही आप लोगों की जो बेली फैट है उनको रिड्यूस करने में आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो ये सभी वर्कआउट्स जो हैं वो 40 सेकंड्स के रहेंगे और इन सभी वर्कआउट्स में आप लोगों का जो बैली है वो कॉमन रहेगा कि बैली फैट को रिड्यूस करना है, विसरल फैट को कम करना है, सबकंटेनियस फैट को कम करना है, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करना है, कार्डियो इंक्रीज़ करना है। तो ये सभी जो है इसमें शामिल रहेंगे। फर्स्ट वर्कआउट जो है आप लोगों के सामने है, बाइंडिंग हैंड स्टैंडिंग क्रंच मैंने इसको नाम दिया है और ये 40 सेकंड्स तक आप लोगों को करना है। तो इसके लिए आप लोग खड़े रह जाइए और खड़े रहकर अपने दोनों हाथों को आपस में बाइंड कर लीजिए। उसके बाद में चेस्ट के पास आप लोगों को रखना है। अब आप लोगों को अपनी एक नी को यानी कि एक घुटने को ऊपर उठाते हुए मोड़ते हुए जो है जस्ट विपरीत कोहनी की ओर लेकर आना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का 40 सेकंड्स का वर्कआउट है और इस वर्कआउट से अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो अपर बैली जो है लोअर बैली की ओर जो है एक दूसरे की स्क्वीज़ कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। अब आप लोगों के पास जो है वो रेस्टिंग टाइम है, 10 सेकंड का रेस्टिंग टाइम इन सभी एक्सरसाइजेस के बीच में आप लोगों को मिलेगा। रेस्टिंग टाइम कंप्लीट होता है, नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, क्रॉस लेग पाम टच। क्रॉस लेग पाम टच का मतलब है आप लोगों को सीधे खड़े रहना है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए और उसके बाद में सामने दोनों हाथों को रख लेना है, ठीक है, जैसे कि आप लोग हाई नी एक्सरसाइज करते हैं। अब जो क्रॉस लेग है यानी कि क्रॉस हैंड और क्रॉस लेग को आपस में लेग को उठाना है और जो आप लोगों का पैर के जो टॉयज हैं उनको आप लोगों को किससे टच करना है, आप लोगों को हाथों से, हाथों की जो हथेलियां हैं उनसे आपस में टच करना है। तो इससे भी आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों को जब आप लोग अपना पैर उठाते हैं तो ऊपर की ओर तो आप लोगों की जो बैली है वो आप लोगों पर इंगेज रहती है इससे, तो इससे आप लोगों को फर्क महसूस होगा बैली को रिड्यूस करने में। रेस्टिंग टाइम आ चुका है, रेस्टिंग टाइम कंप्लीट होने के बाद आप लोग चलें नेक्स्ट वर्कआउट की ओर यानी कि तीसरे वर्कआउट की ओर। हाई नी एक्सरसाइज है, हाई नी एक्सरसाइज कार्डियो के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसको करने के लिए आप लोगों को दोनों हाथों को सामने रखना है और उसके बाद में एक जगह पर ही आप लोगों को अपनी घुटने को मोड़ते हुए अपने चेस्ट की ओर लेकर आना होता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को नॉर्मल लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज की तरह ही इसको ट्रीट करना है पहले, लेकिन अगर आप लोग इसमें जब परफेक्ट हो जाए तो आप लोगों को इसमें थोड़ा सा रन जो है आप लोग थोड़ा तेज इसमें आजमा लें। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग कर सकते हैं 40 सेकंड्स के लिए, इससे आप लोगों का बैली फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा, इवन आप लोगों के घुटने भी मजबूत हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को किसी प्रकार की इंजरी है तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लें और अवॉइड करें। ऐसी एक्सरसाइज करने से आप लोगों के लेग्स जो है, आप लोगों के बटक्स जो है या आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो अच्छे भी बन सकते हैं। नंबर 4 एक्सरसाइज की हम लोग बात करते हैं। इस एक्सरसाइज का जो नाम है वो है स्पाइडरमैन प्लांक। स्पाइडरमैन प्लांक को आप लोग कैसे करते थे, आप लोग एक प्लांक पोजीशन लेते थे, उसके बाद में आप लोग जो है सेम पैर को सेम हाथ के कोहनी से आप लोग टच करते थे। बस इसी एक्सरसाइज को आप लोगों को खड़े रहकर करना होता है। जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि तीन लड़कियां हैं और आपस में जो पीछे की जो गर्दन के पीछे है उसमें हाथ आप लोगों को टच करने हैं, अपने कान के पास रखने हैं। अब थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुकते हुए कोहनी को घुटने से टच कीजिए और फिर राइट साइड में झुकते हुए कोहनी को घुटने से टच कीजिए। तो ये वर्कआउट भी आप लोगों का 40 सेकंड्स का है, 40 सेकंड्स कंप्लीट होने के बाद आप लोग ले सकते हैं रेस्ट और इसमें आप लोग अपने आईने में अपने आप को देख सकते हैं, अपने फिगर को देख सकते हैं, अपने बैली को देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है या कम है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्कआउट हम लोग चलते हैं नंबर 5th वर्कआउट की ओर, 40 सेकंड के लिए साइड लेग रेज पाम टच। इसका नाम मैंने रखा है साइड लेग रेज पाम टच और ये लेफ्ट साइड का आप लोग पैर उठाएंगे और लेफ्ट साइड के पाम की ओर टच करेंगे। देखिए इस प्रकार की एक्सरसाइज है और इस प्रकार की एक्सरसाइज आप लोगों के ग्लूट्स को बहुत अच्छा कर सकती है और साइड का जो फैट है आप लोगों का, जिसे हम लोग बैली फैट का पास वाला जो फैट बोलते हैं या लव हैंडल का फैट बोलते हैं, ये आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है और खड़े रहकर ही आप लोगों को करनी है। तो बैली फैट रिड्यूस करने के लिए या स्टैंडिंग एब्स एक्सरसाइज भी आप लोग इसे ट्रीट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5वीं एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, रेस्टिंग टाइम आप लोगों का चल रहा है और आप लोग जो है अपनी फिगर को देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्कआउट आप लोगों के लिए 6ठा वर्कआउट और इसमें आप लोगों को स्क्वाट और साइड लेग रेज या साइड लेग किक आप लोगों को लगानी है।
इस वर्कआउट को भी आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए करना है। इसमें आप लोग देखिए स्क्वाट पोजीशन ले रहे हैं, उसके बाद में आप लोग लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों में आप लोग पहले लेफ्ट साइड की ओर किक लगाएंगे, उसके बाद में स्क्वाट पोजीशन लेके आप लोग राइट साइड की ओर किक लगाएंगे। ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए करनी है। और अगर आप लोग इसका असर देखना चाहें तो आप लोग जब बैठते हैं और खड़े होते हैं और साइड में किक लगाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि लव हैंडल का जो फैट है वो इससे कितना जल्दी रिड्यूस हो सकता है। तो साइड का फैट रिड्यूस करने में आप लोगों को आसानी मिल सकती है, एब्स को टोन बनाने में आसानी मिल सकती है। रेस्टिंग टाइम आ चुका है, अपने आप को देख सकते हैं आईने में, रेस्ट कर सकते हैं, मसल्स को मजबूती देने के लिए रेस्ट कर सकते हैं। इंची टेप से आप लोग जो है अपना फिगर जो है उसे टेस्ट कर सकते हैं कि कितना साइज में कम हुआ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग चलते हैं स्क्वाट स्पाइडरमैन प्लांक स्टैंडिंग पोजिशन। स्क्वाट साथ में करना है और स्पाइडरमैन प्लांक भी आप लोगों को करना है। अभी अभी आप लोगों ने स्पाइडरमैन प्लांक किया था खड़े रहकर, इसमें आप लोग स्क्वाट भी ऐड कर लीजिए। 40 सेकंड का ये वर्कआउट भी आप लोग कंप्लीट कीजिए। इसमें आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के जो साइड फैट है वो कितना जल्दी रिड्यूस होता है। तो इससे बैली की जो रेक्टस एब्डोमिन है आप लोगों की मसल्स वो इंगेज रहती है, आप लोगों के ग्लूट्स की जो मसल्स हैं मीडियस और मैक्सिमस मसल्स वो इंगेज रहती है, हेमिस्ट्रिंग मसल्स है वो इंगेज रहती है। तो ये भी आप लोगों के 40 सेकंड का वर्कआउट आप लोगों को करना है। अब रेस्टिंग टाइम चल रहा है तो हम लोग नवी एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। नवी एक्सरसाइज में स्टैंडिंग क्रॉस क्रंच बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये डांसिंग स्टेप भी आप लोग ट्रीट कर सकते हैं कि एक जस्ट विपरीत हाथ वाली कोहनी को जस्ट आप लोगों के दूसरे लेग की जो पैर का जो घुटना है उससे आप लोगों को टच करना है। तो इसे आप लोग 40 सेकंड्स के लिए आप लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है और 40 सेकंड्स कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को रेस्ट करना है। लेकिन जब आप लोग देखेंगे कि आर्मपिट का फैट भी इससे रिड्यूस होगा, आप लोगों का कार्डियो भी मजबूत होगा, आप लोगों की जो कोहनी है, आप लोगों की जो थाइस मसल्स है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो कितने बेनिफिट्स आप लोगों को इस एक्सरसाइज से मिल सकते हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो साइड का फैट जल्दी रिड्यूस हो सकता है आप लोगों का, और आप लोगों को फ़ायदा भी मिल सकता है, मसल्स टोन्ड बन सकती हैं। तो मसल्स को टोन्ड बनाना है तो सभी एक्सरसाइज को आप लोगों को करना ज़रूरी है। सुबह उठ कर कीजिए, सभी के बीच में 10 सेकंड का रेस्ट है तो उसे भी आप लोग ले सकते हैं, उसमें आराम कर सकते हैं। अब है स्टैंडिंग साइड लेग रेज विद पाम टच आप लोगों को करनी है। देखिए जैसा कि आप लोगों ने लेफ्ट लेग के साथ किया था वही आप लोगों को राइट लेग के साथ करना है, और अपने दोनों हाथों को आपस में आप फैलाना है और स्टेट पोजिशन कॉन्स्टेंट पोजिशन में आप लोगों को रखना है। उसके बाद में आप लोगों का जो राइट वाला पैर है उसे उठाना है और अपने पाम से हथेली के जो पैर है उसे टच करने की कोशिश करना है। अगर टच हो तो ठीक है, नहीं टच हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन रेज जितना कर सके अपने पैर को उतना आप लोगों को उठाना है। तो इससे आप लोगों की जो ग्लूट मसल्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज रहती हैं और साइड का फैट रिड्यूस करने में आप लोगों को हेल्प मिलती है। और अब फिर से आप लोगों के पास आ चुका है 10 सेकंड का रेस्ट और रेस्टिंग टाइम कंप्लीट होगा ही, उसके बाद हम लोग चल देंगे लास्ट एक्सरसाइज यानी कि आप लोगों की 10वीं एक्सरसाइज। और ये लास्ट एक्सरसाइज है रनिंग हाई नी, फास्टली आप लोगों को करनी है जितनी देर आप लोग कर सकें। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं, और इवन आप लोग मुझे कमेंट तो करेंगे ही, लाइक भी करना आप लोगों को इस वीडियो को करना है, और कमेंट प्लीज़ कीजिए ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोग कितना जागरूक हैं एक्सरसाइज करने के लिए और कितना लाइक करते हैं अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ को, ताकि आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइज भी आप लोगों को मिल सके। अगर आप लोगों को अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज चाहिए है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ पर आप लोग शेयर करना चाहें। धन्यवाद।